of this august audience present here today. Today is a historic day. Today is a seminal day, not only for the Indian steel industry in particular, but for the country as a whole. Our Minister of State, Fagan Singh Ji, very articulately talked about India's evolution in the last 9 years. Evolution as a global power, from the 11th largest economy to the 5th largest economy in a period of 9 years. And this journey, due to your efforts, due to the Prime Minister's vision, the Prime Minister's resolve, due to the efforts of 130 crore Indians across the length and breadth of our country, this journey is going to be a continual one. The World Bank and the IMF have projected that India, as she stands today as the 5th largest economy. पिछले अगर वर्षों में हम देखें तो आज भारत की जो स्थिति है, हम 10वें नंबर से हम 5वें नंबर पे आने का बहुत बड़ा जो प्रदूषण है, ये इस पूरे टोली कहेंगे या इसे सरकार, ये आप सबके सहयोग से ये बहुत बड़ा जो इसे इसको जो संबल मिला है, खासतौर से आर्थिक दृष्टि से. और इसलिए जब हम बात करते हैं लगातार इसके बारे में, हमारे प्रधानमंत्री जी आज इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, अगर आप देखेंगे तो चाहे हमारे स्टेट के सेक्टर को, हमारे सारे एयरपोर्ट्स हो, हमारे जितने हाईवे हैं और हमारा इन जो मंत्रालय काम कर रहा है, इसके कारण लगातार आज पूरे देश में ये जो अब बढ़ा है, इसके पीछे प्रधानमंत्री का एक विजन. हम इसके पहले भी देखते थे, मुझे याद है मैं इसके पहले जब अनुभव करता था. मुझे आशा है, अपेक्षा है कि हम आगे इस संबंध को और प्रगाढ़ करेंगे. मैं आपको एक बस अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि इसको सिर्फ स्टील मैन्युफैक्चरिंग के रूप में मत देखिए, ये बेसिकली ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट करने का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ने का एक मुकाम है, एक जगह है, एक रास्ता है. मुझे याद है कि जब हम लोग आवेदन आए और 30 कंपनियों के 67 आवेदन स्वीकृत किए गए, आज की इस सभा में 27 कंपनियों के 57 एमओयू के हस्ताक्षर किए जाने हैं और हस्ताक्षर करने के उपरांत माननीय मंत्री जी, जो हमारे इस्पात मंत्री हैं और सिविल एविएशन एवं भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर्स भी हैं, उनके उपस्थिति में एक्सचेंज होंगे. और मैं आप सबों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमारे मंत्रालय के जितने सदस्यगण हैं, सभी कंपनियों के जितने प्रतिनिधिगण हैं, आप लोग क्रम वाइज आएंगे और इस बृहद कार्यक्रम की शुरुआत मेकॉन के तत्वावधान में की जाएगी. मैं सबसे पहले आज की सभा में अपने सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूँ, जो अपने साथ स्वागत भाषण से इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे. सचिव महोदय. माननीय इस्पात एवं नागर विमानन मंत्री माननीय माननीय श्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रालय के वरीय सहकर्मी श्रीमती सुकृति लिखी जी, श्रीमती रुचिका चौधरी जी, सेल चेयरपर्सन श्रीमती सोमा मंडल जी और अन्य तमाम आज एमओयू फंक्शन के लिए आए कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधिगण, आज इस देश के लिए और इस बात क्षेत्र के लिए एक अत्यंत ही गौरव का दिन है कि हम आज इस समारोह में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए। हम सब जानते हैं कि देश में जो विकास का क्रम लो इनकम से हाई इनकम की ओर जाता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर भारत को भी इस रास्ते जाना है तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को